लायंस क्लब पठानकोट की ओर से एक सेमिनार का आयोजन प्रधान राजीव खोसला की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें उन्होंने डेंगू की जानकारी लोगों को न केवल दी बल्कि उन्होंने इससे बचाव के लिए उन्हें तरीके भी बताए। लायंस क्लब पठानकोट ने अपने प्रेसिडेंट लाइन राजीव खोसला की अध्यक्षता के डॉक्टर एम एल अत्री हॉस्पिटल के एक डेंगू के उत्ते सेमिनार लगाया। जिदा तुम जानते हो कि पठानकोट के जी डेंगू की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है, ये की कारण है और क्यों फैल रही है डॉक्टर साहब ने थानू डिटेल च समझाई दिता है। तो ये वास्ते जिनी ज़्यादा तुम प्रकॉशन लौंगे उन्ना तुम इस बीमारी तो बच सकते हो। ये बीमारी तो हुण धीरे धीरे जिस सर्दियाँ हो आ रही हैं तो ये बीमारी ने दूर हो ही जाना, लेकिन जोड़ा करोना है वह दोबारा फिर पैर पसारन लग गया। कल इतने पठानकोट 10 केस आए हैं, इस करके मैं पठानकोट के लोगों को एक बेनती करना कि मास्क पाना बिल्कुल लोगों ने बंद करता, शहर के बाज़ार जाओ रश तो कामुकी हो रही है, तो इस करके जिस वेले बाज़ार आओ तो उस वे मास्क पा के आओ, तो जो भी ये प्रिकॉशन है कोरोना के वो सारे लाओ, तो डेंगू के भी प्रिकॉशन लाओ ताकि असी बीमारी नूं दूर कर सकीए। लायंस क्लब पठानकोट साढ़े प्रधान राजीव खोसला की अध्यक्षता दे विच इदां दे सैमीनार समय समय से लगा रहा है। इस साल साढ़े प्रधान जी ने मेरे ख्याल प्रोजैक्टा के नए आयाम स्थापित किए हैं, मैं प्रधान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। स्कॉलरशिप दे रहे बच्चों स्कूलों कॉलेजों जाके ट्रैफिक सैमीनार लगा रहे हैं, तो हूँ शनिचरवार को गौरमेंट कॉलेज लवीनी के एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का असं कैंप लगा रहे हैं, जिन्हों बच्चों ने भी इस कैंप पार्टिसिपेट करना वो गौरमेंट कॉलेज लवीनी से शनिचरवार को सवेरे 10 बजे आके उत्थे पहुँचन। जय हिंद। लायंस क्लब पठानकोट के प्रधान लायन राजीव खोसला जी और उन्हां दी पूरी टीम वालों अज मेरे मनवाल हस्पताल दे विच एक सैमीनार लगाया गया है रिगार्डिंग डेंगू अवेयरनैस सैमीनार, क्योंकि ये देखना चाहिए कि पूरे इंडिया दे विच डेंगू केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आप जो पठानकोट की गल करिए इत्थे भी केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग बड़े पैनिक हो गए हैं, इस करके इहोजा सैमीनार लाना बहुत जरूरी है। ये मैं स्पैशल यही दसना चाहना भी इनू पैनिक क्रिएट ना करो क्योंकि डेंगू एक जिहड़ा इच बुखार हाई ग्रेड हुंदा है, तेज़ बुखार है, दर्दा हुंदी है और खास करके इचिंग बहुत हुंदी है, लेकिन इस डरन की कोई लड़ नहीं। जिडे पेशेंट आते हैं सारे सैल किसी 90,000 है, किसी 1.5 लाख है, लेकिन फिर भी आगे को गल करते हैं डॉक्टर जी प्लेटलैट चढ़ा दो, बिल्कुल 2% लोगों प्लेटलैट चढ़ाने की लड़ पैंती है, वह भी वह केसों में जिन्हें प्लेटलैट्स जो 10,000 या 15,000 रह जाते हैं, अदरवाइज़ नो इंडीकेशन, इन्हों कहने रैड फ्लैग लाल झंडी। इस करके लोगों मेरी यही रिक्वेस्ट है भी ये डेंगू तो अगर बचना है नंबर एक तो अपने आले दुआले कोई साफ पानी जिते है कोई टिब्बे है उन्होंने इनसैक्टीसाइड या पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह स्प्रे कर देना चाहिए। नंबर 2 अपने घर जिन्ने फ्रिज है या कूलर है या गुलदस्ते है या गमले है उन्होंने ड्राई रखना चाहिए क्योंकि एवरी फ्राइडे इज़ ए ड्राई डे। नंबर 3 अपनी डाइट के उत्ते पूरा स्ट्रैस देना चाहिए जिदे कि पपीता वगैरह का जूस लवो, गावा जूस लवो, कीवी फ्रूट खावो, नाशपति खावो, पपीता जरूर लवो क्योंकि ये डाइट जी बूस्टअप करती है प्लेटलैट्स वास्ते, और जिन्हें प्लेटलैट्स जिन्होंने कोई उल्टी बंद नहीं होंगी या बहुत तेज़ बुखार है उन्होंने होस्पिटलाइजेशन कराने की लड़ है। मैं एक बार फिर लायंस क्लब के प्रेजिडेंट और अज के प्रोजेक्ट चेयरमैन मिस्टर विजय पासी का बहुत बहुत थैंक्स करता भी अपनी टीम नाल इत्थे आके मेरे हस्पताल वधिया सैमीनार किया जी। जय हिंद, जय लायंस। बहुत चली हुई है पठानकोट च, उन्हों मद्देनज़र रखते हुए लायंस क्लब पठानकोट ने एक सैमीनार डॉक्टर अत्री हॉस्पिटल मनवाल विखे एक सैमीनार रखा है जिदे लाइन मैंबर ने शिरकत की है और डॉक्टर साहब ने बड़े वधिया ढंग डॉक्टर अत्री ने जिहड़ा डेंगू बारे सारियां नूं दस्या उहदे बचाव बारे दस्या कितना फैलदा तो वह सारा डॉक्टर साहब ने बड़े बहुत ही अच्छे तरीके नाल जिहड़ा एक्सप्लेन किया। तो मेरी भी सारे अगे यही रिक्वेस्ट हैगी है कि अपने आप को बचा के रखो, पूरी बाहों के स्वेटर कुर्ते जो भी है पूरी बाहों की पूरी अपना सॉक्स वगैरह पा के रख, बच्चों खासकर बचाओ। तो मैं थैंक्स करना लायंस क्लब पठानकोट प्रेजिडेंट राजीव खोसला जी पासी साहब और लाइन मैंबर सारे का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना कि यहोजे ज्वलंत जोड़े टॉपिक्स है उन्होंने अपना कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं सैमीनार लगाते हैं। तो अगों भी मैं यही दरखास्त करना कि यहोजे जोड़े अवेयरनैस कैंप जोड़े है वो तो वो लगाए जाए ताकि इस बीमारियों तो
लोगों का बचाव हो सके। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर डीएलएम रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।